नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। चौथी बार नव नियुक्त होकर आए समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव का मेहरौनी मड़ावरा में जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एकजुट रहकर 2022 विधानसभा की तैयारियों में जुटने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने युवाओं को कमान सौंपते हुए जिला ललितपुर के नेपाल सिंह यादव को एक बार पुनः समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें, लगातार चौथी बार नेपाल सिंह यादव को युवजन सभा का ललितपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथी बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के बाद अविनाश जैन विक्की ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव का शॉल ओढ़ाकर और तिलक लगाकर सम्मान किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने मेहरौनी मड़ावरा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात, आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में पार्टी मजबूत करने की अपील की। नवनियुक्त युवजन सभा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार आम जनता का शोषण हो रहा है। इस लॉकडाउन में आज जहां सैकड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो वहीं लगातार अब लोगों की नौकरी जाने का सिलसिला जारी है। प्रदेश की जनता बढ़ रही महंगाई से जहां परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पेट्रोल और बड़ी डीजल कीमतों के कारण खेती नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा, सिर्फ कागजों में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर सरकार के कामों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हरा कर सबक सिखाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस मौके पर आचार्य लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, आलोक रावत, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मोहम्मद जावेद खान ठेकेदार, अविनाश जैन विक्की, महेंद्र यादव, रितेश साहू मेहरौनी, राजेश गंधर्व, नसीम खान मेहरौनी, आमिर खान, हुसैन खान मेहरौनी, रामेश्वर यादव, प्रमोद यादव, नीलेश नामदेव, रामानंद साहू, मधुर जैन, हनीफ खान, परसाता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।